आज एक निखिल वागले को मारोगे तो क्या लगता है आपको? निखिल वागले मारे तो बाकी चुप हो जाएंगे, असीम सरोदे बोलेंगे नहीं, श्याम मानव बोलेंगे नहीं, विश्वंभर चौधरी बोलेंगे नहीं, अशोक वानखड़े बोलेंगे नहीं। इस गुंडों से ज्यादा तादाद है बोलने वालों की। वो तो महाराष्ट्र की भूमि है, छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है। वो इसी शाहिस्ते खान की चार उंगलियां छाट के वापस भेज दिया था, सगा मामा था औरंगजेब का। इसी पूना के शहर की बात है वो, लाल किले, लाल महल की। सैनिक स्कूल का प्रोडक्ट हूं सातारा का, ठीक है। मेरे क्लास में जो मेरे पास बैठा था डेस्क पे, प्रदीप ताथोड़े, पाकिस्तानियों की गोलियां सीने पे छलनी करते हुए अपने सीने को देश की रक्षा में शहीद हुआ है, इतने पुना का है वो। कोथरूड में बहुत बड़ा स्टैचू है उसका। मैं डरूंगा तो ऊपर जाके उसको क्या जवाब दूंगा कि बचपन में अशोक साथ में एक देश पे इसलिए बैठते थे कि तू भागा है। महाकाल का भक्त हूं, यदि मेरी आनी है तो आ जाएगी आशीष, और नहीं आनी हो, हजार लोग भी आए तो उसके बीच में से निकल आओ। ये विश्वास के साथ में जीता हूं, और डर के जीने से अच्छा है कि निडर होके जब निर्भय विचार मंच पर जाके बोलता हूं तो मैं भयभीत हो ही नहीं सकता। राम का नाम लेते हैं और रावण राज्य चलाते हैं। रावण ने हनुमान जी को बोलने से मना किया था, तो पूरी लंका जल गई थी। जल गया पत्रकार, ये हनुमान का प्रारूप है, पत्रकार हनुमान जैसा है, हर समाज की पीड़ा में आगे भागता है, समाज के दर्द को बयां करता है, शब्द देता है, लेखनी देता है, आवाज देता है, सरकार की भड़वेगिरी नहीं करती। यदि सरकार की भड़वेगिरी करने वाले होते तो यही मोटरसाइकिल वाले हार लेके आते। नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज एक पोस्ट से मैं शुरुआत करता हूं। पोस्ट किसकी है, इस पोस्ट के भीतर कितना दर्द पीड़ा इस सिस्टम को लेकर के छिपा है, इस देश के लोकतंत्र संविधान पर कितना खतरा है, सब समझ में आ जाएगा और फिर हम उस मुद्दे पर आएंगे। तो बस थोड़ा सा वक्त दीजिए, फिर मैं भाव को भी जोड़ूंगा। तो पहले पोस्ट सुनिए। कल मौत दरवाजे पर खड़ी थी, आपके प्यार की वजह से ही मैं जिंदा बचा। अब तक 6 हमलों को पचा लिया। कल का हमला सबसे भयानक था। पत्थर, लाठियां, हॉकी स्टिक, रॉड, अंडे, स्याही सभी का इस्तेमाल किया गया। महज आधे घंटे में 4 बार हमारा पीछा कर हमें घेर दिया गया। हमला पुलिस की मिली भगत से हुआ था। मेरा विश्वास है कि फुले और अम्बेडकर के आशीर्वाद से ही हम सब कल जीवित रहे। अब अगला जीवन आप लोगों के लिए है। हम फांसीवाद को हराने के लिए महाराष्ट्र पर विजय प्राप्त करेंगे। ऐसे कायरतापूर्ण हमलों से डरने की हमारी संस्कृति नहीं है। मैं यहाँ कह रहा हूं कि मैं फिर से अपनी जान जोखिम में डालूंगा ताकि यह देश हिंदू पाकिस्तान न बन जाए। सामान्य तौर पर आप जहां खबरों की दुनिया में नजर दौड़ाएंगे तो कहीं बिहार में मचा सियासी बवंडर आपको नजर आएगा, कहीं उत्तर प्रदेश में पलटासन इधर से उधर पलटने वाले लोग नजर आएंगे, लेकिन ऐसी खबरें जो वाकई जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कल आप भी निखिल वागले हो सकते हैं, कल हम भी निखिल वागले हो सकते हैं, अशोक वानखेड़े जी भी निखिल वागले। ये पोस्ट निखिल वागले की थी, पत्रकार हैं, और हुजूर गुस्ताखी बस एक हुई थी, सत्ता पर कड़वे सवाल किए थे, बेबाक होकर के आलोचना करते हैं, यही कसूर है, यही गुस्ताखी है। बस जान बड़े मुश्किल से बची है, और गृहमंत्री कहते हैं कि जुबान तो लोगों को काबू में रखनी चाहिए, नहीं तो कार्यकर्ता है। क्या ये देश सूडान है, क्या सीरिया है, क्या सोमालिया है? विश्वगुरु यही बना रहे हैं।
इन्हीं सवालों के साथ शुरू करते हैं मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े और भाऊ जुड़ गए हमारे साथ। भाऊ, सीधा सा छोटा सा सवाल, क्या आप सत्ता के खिलाफ बोलेंगे? आप तो काफी मुखर होकर के बोलते हैं, तो जान भी जाएगी। अब जान गंवाना पड़ जाएगा, जान देनी पड़ेगी सत्ता की आलोचना के लिए। देखिए आशीष जी, भारतीय जनता पार्टी एक वैचारिक पार्टी, पार्टी विद द डिफरेंस, चाल चरित्र चेहरा। लेकिन 2014 के बाद इस देश में जो हो रहा है, वो देश एक तानाशाही प्रवृत्ति के तरफ जा नहीं रहा है, पहुंच चुका है। ये पूरा महाराष्ट्र का वाकया मैं आपको पूरा अकाउंट बाय अकाउंट बताऊंगा, तो आपको लगेगा कि मैं किसी थ्रिलर पिक्चर की स्टोरी बता रहा हूं। महाराष्ट्र में व्याख्यान मालाओं का, वालाओं की परंपरा है। हर शहर में अपनी अपनी व्याख्यान माला होती है। कुछ व्याख्यान मालाएं 100-100 साल पुरानी है, 150 साल पुरानी है। आप सोच लीजिए, 150 साल पुरानी व्याख्यान मालाएं चल रही है महाराष्ट्र। लोग व्याख्यान के लिए जाते हैं, अपने विचार प्रकट करते हैं। महाराष्ट्र तो वो राज्य है जहां अंग्रेजों को भी तिलक की लेखनी ने ललकारा था, और पहली बार हेडलाइन छपी थी मराठी में, अंग्रेजी सरकार के डोके जागावर है क्या? क्या अंग्रेजी सरकार का दिमाग क्या अंग्रेजी सरकार बददिमाग हो गई? ये अंग्रेजों को ललकारने वाले कई बार जेल गए, लेकिन अंग्रेजों ने भी तिलक के साथ वो नहीं किया। ये तो मुझे मुगल साम्राज्य की याद दिलाता है। क्या हम बार्बेरियन सोसाइटी की तरफ जा रहे हैं? मुंबई शहर में तो राणा संस्कृति है, चलो ठीक है, वहां अंडरवर्ल्ड भी है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन पुणे महाराष्ट्र की कल्चरल कैपिटल मानी जाती है, सांस्कृतिक राजधानी है महाराष्ट्र की। वहां तो बोलने की आजादी है, वहां कई बड़े लेखक महाराष्ट्र में रहते हैं, विचारवंत पुणे में रहते हैं, वो तो विचारों की गंगोत्री है, वहां से तो विचार प्रवाहित होते हैं पूरे महाराष्ट्र में। वहां जो कुछ हुआ उसका मैं आपको, मुझे 2 मिनट चाहिए, मैं आपको अकाउंट बाय अकाउंट बताता हूं। निर्भय बनो एक विचार मंच है जो लगातार जन जागरण का काम करते हैं, नॉट कुरीतियों के बात ही नहीं, वह श्याम जैसे भी लोग होते हैं कि जो श्याम जी जैसे कि जो अंधश्रद्धा निर्मूलन के लिए बात करते हैं, वो भी उस इस पे आते हैं। संविधान की रक्षा, मतदाताओं का जन जागरण, नागरिकों को उनके अधिकारों का बारे में ज्ञात करना, ये तमाम काम यहाँ व्याख्यानों पे होते हैं। सवाल जब उठेंगे तो सरकार पे ही उठेंगे, कोई भी सरकार हो, कल कोई दूसरी भी सरकार आई तो निर्भय विचार मंच निर्भयता के साथ बताएंगे। तो उसी निर्भय विचार मंच का एक प्रोग्राम पुणे में था, निखिल वागले उसमें बोलने वाले थे। इसके पहले भारत रत्न जो दिया गया अडवाणी जी को, उससे उस पर एक टिप्पणी उन्होंने ट्वीट की थी, और उस टिप्पणी के खिलाफ एक FIR भी दर्ज हुई पुणे में। जब कानून अपना काम कर रहा है, FIR दर्ज की है, उनके ऊपर जो भी एक्शन होनी होनी। उनका साने गुरुजी सभागृह में प्रोग्राम तय था, प्रोग्राम के लिए परमिशन नहीं मिल रही थी। ये पुलिस स्टेशन में शाम को 7 बजे तक, मतलब 4 से 7, 3 घंटे पुलिस वालों के साथ बैठे रहे, लेकिन वो प्रोग्राम के बारे में कुछ अनिश्चितता की बातें कर रहे थे। ऐसे में उन्होंने कहा कि या तो हमको अरेस्ट करे या हमको कार्यक्रम के लिए जाने दीजिए, लोग बैठे हॉल, और वो कार्यक्रम के लिए निकले। अब एक गाड़ी, एक जो गाड़ी होती है, उस गाड़ी में बीच में निखिल वागले बैठे, एक तरफ से निखिल वागले जैसे ही एक्टिविस्ट है, एक चौधरी विश्वंभर चौधरी अच्छे वक्ता है, वो एक साइड पे बैठे, और एक साइड पे असीम सरोदे, ये एक बहुत बड़े वकील और अक्सर लोगों के कॉज के लिए लड़ते पाए जाएंगे आपको, बड़ा नाम है। ये दोनों ने उनको बीच में बिठाया। सामने गाड़ी में एक एडवोकेट
श्रेयल को बिठाया, वो सामने बैठा गाड़ी में, और ड्राइविंग सीट पे वैभव को बिठाया। एक वैभव उन्हीं का कार्यकर्ता था, अभी चलो साथ में चलते जो लेने वाले था। जैसी गाड़ी निकली तो प्रभात रोड ईरानी कैफे के पास पहला हमला हुआ गाड़ी पे, पत्थर फेंके गए, अंडे फेंके गए। जब गाड़ी पे अंडा पड़ता है सामने स्क्रीन पे तो स्क्रीन ब्लैंक डेड हो जाता है, फिर ऐसा सर निकाल निकाल के देखना पड़ता है। और जब हमला हो रहा था तो फिर एडवोकेट निर्भयकर जो साथ में चल रहे थे वो उतर के, मतलब पीछे गाड़ी में वो उतर के भागे और आगे ड्राइवर को गाइड कर रहे थे कि इस गली में लो, उस गली में लो। जब उन्होंने देखा कि ईरानी कैफे पे हमला हो गया तो गली नंबर 4 में घुस गए। जैसी गली नंबर 4 में घुसने लगे तो वहां पे कुछ लोग मोटरसाइकिल लेके खड़े थे और फिर फिल्मो स्टाइल में दोनों तरफ से गाड़ी की मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल वाले पीछे हॉकी रॉड लेके और लगातार गाड़ी पे प्रहार कर रहे हैं। और ये आगे जब प्रभात रोड पे गए और प्रभात रोड और कर्वे रोड को जो जोड़ने वाला जो जगह होती है वहां तो उन्होंने गाड़ी रोकी ली। और जब गाड़ी पे हमला हुआ तो पीछे जो पुलिस वाले चल रहे थे प्राइवेट ड्रेस में एक गाड़ी में, वो भी उतर के बचाव करने के लिए थोड़ा प्रयास किया उन्होंने, लेकिन जब उनको भी लोगों ने मारना, मतलब इन गुंडों ने मारना शुरू कर दिया तो फिर गाड़ी रिवर्स में लेके कर्वे रोड से कोथरूड की तरफ गए। और रस्ते में एसएम जोशी पुल के पास वैकुंठ की तरफ जब उन्होंने गाड़ी मोड़ी तो गुंडे थोड़े से कंफ्यूज हो गए कि गाड़ी किधर गई। इनको भी लगा चलो गुंडों का पीछा छोड़ दिया, बिल्कुल फिल्म स्टाइल में चल रहा था। लेकिन आगे शास्त्री रोड से गुंडे ने फिर गाड़ी को पकड़ा और सेना दत्त पुलिस चौकी के सामने सिग्नल पे गुंडों ने फिर गाड़ी को घेरा और वो टूटे हुए कांच से रॉड घुसेड़ के अंदर उसको ढूंढ रहे थे और बार बार चिल्ला रहे थे कि निखिल वागले को मारो, निखिल वागले को मारो। आप इमेजिन करो लोहे की रॉड जब गाड़ी में घुसती तो वो, लेकिन इसी बीच निखिल वागले को इन लोगों ने जो पीछे बैठे थे उन्होंने नीचे ऐसा दबा के रखा था उसका सर कि इसको बचाना है। और जब इसी के बीच में एनसीपी की एक शेरनी भक्ति कुंभार वो भागती हुई आई अपनी कुछ महिला कार्यकर्ताओं के साथ और गुंडों का सामना करना पड़ी, वो भी बुरी तरह से जख्मी हुई। जब ये बात पता पड़ी तो यहाँ हॉल पे जो लोग खड़े थे वो भागने लगे उस चौक के तरफ और फिर तो एक मजमा लगाया कि राष्ट्रवादी के भी प्रशांत दादा जगताप, राष्ट्रवादी कांग्रेस के जो शरद पवार के लोग हैं वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ आ गए, कांग्रेस के अरविंद शिंदे अपने कार्यकर्ताओं के साथ आ गए, शिवसेना के सुनील मोरे पूरे कार्यकर्ता झुमुड़ वहां पे, एकदम युद्ध जैसी स्थिति हो गई। फिर अम्बेडकरवादी लोग आ गए, युग्रांत के मनोहर ये सारे आ गए। जब सारे कार्यकर्ताओं ने पूरे गाड़ी को घेरा इन गुंडों से बचने के लिए और घेर के उनको बाहर निकाल के उस हॉल तक लाए, ये 25 मिनट तक पूना के रोड पे चलता रहा। सांस्कृतिक राजधानी है पूना महाराष्ट्र, गणपति फेस्टिवल के लिए जाने जाते हैं महाराष्ट्र, लोकमान्य तिलक की भूमि है, ज्योतिबा फुले की भूमि है पुणे, क्रांतिकारियों का जन्मस्थान है पुणे। उस पूना ने इन गुंडों को जना है और भाजपा ने इसको सींचा है, ये देश का दुर्भाग्य है। क्या महात्मा गांधी के गोड़ से पैदा हो रहे हैं क्या इस पूना में? अब क्या पूना ने गोड़ से को जन्म देना शुरू कर दिया? जब महात्मा गांधी के विचारों से आप नहीं सहमत थे तो गोलियों से भून के आपने उस महात्मा, आज एक निखिल वागले को मारोगे तो क्या लगता है आपको? निखिल वागले मारे तो बाकी चुप हो जाएंगे, असीम सरोदे बोलेंगे नहीं, श्याम मानव बोलेंगे नहीं, विश्वंभर चौधरी बोलेंगे नहीं, अशोक वानखड़े बोलेंगे नहीं। इस गुंडों से ज्यादा तादाद है बोलने वालों की, वो तो महाराष्ट्र की भूमि है, छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है वो। इसी शाहिस्ते खान की 4 उंगलियां छाट के वापस भेज दिया था, सगा मामा था औरंगजेब का। इसी पूना के शहर की बात है वो, लाल किले, लाल महल की।
और यदि औरंगजेब की और औरंगजेबों की औलाद है, यदि ये सोच रही होगी कि हम मुगल कालीन वातावरण तैयार करेंगे, तो उंगलियां उनकी भी छटेंगी। उंगलियां छटेगी मतलब कोई हम लोग हाथ में डंडा उठाने वाले नहीं है, उंगलियां छटेगी मतलब कानून और न्यायपालिका के पास जाना होगा, न्यायपालिका को इसको संज्ञान लेना होगा। इतना बड़ा वारदात हुई 25 मिनट तक फिल्मी स्टाइल में, 20-25 किलोमीटर तक गली कूचे से गाड़ी जाती रही, दोनों तरफ से मोटरसाइकिल, लोग देखते रहे जैसे फिल्मों की शूटिंग चल रही हो। और आप आवाज बंद करना चाहते हैं, आपने FIR की है, पुलिस आप ही की है, आप ही का डबल इंजन की सरकार है ये, डबल इंजन की सरकार में डबल हाथ में रॉड और लोहे के रॉड और हॉकी स्टिक लेके गुंडे घूमेंगे क्या? पुणे की जनता ने इसका रिप्लाई भी देना चाहिए। ये पुणे की तासीर नहीं है जो हुआ है। और गृह मंत्री उसके बाद शर्म भी नहीं आती इन लोगों को ये बोलते हुए कि कानून कोई हाथ में नहीं ले सकता, लेना नहीं चाहिए, और जिन्होंने लिया उनके ऊपर कार्यवाही होगी। हाँ, लेकिन बड़े लोगों के बड़े ओहदे पे जो लोग बैठे हैं उनके बारे में बोलते समय ध्यान रखना चाहिए। मतलब आप मोदी जी के अमित शाह जी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, वो तो फिर आपके बाप होंगे, मैं, वो देश के बाप नहीं है। अमित शाह और मोदी जी देश के बाप नहीं है। मोदी जी अपने आप को प्रथम सेवक कहते हैं, और यदि पिता भी होंगे तो बच्चों को पिता को सवाल पूछने का अधिकार है। कि हमारे साथ ऐसी दुय्यम क्यों आप, क्या एक पिता ने यदि किसी बेटे के साथ अन्याय किया तो क्या बेटा पिता को नहीं पूछता कि पापा मेरे से गलत क्यों कर रहे हैं आप, मेरे पे अन्याय क्यों कर रहे हैं आप? क्या लोकमान्य तिलक की जन्मभूमि जो ललकारते थे कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं लेके रहूंगा, तो क्या बोलने का अधिकार भी संविधान ने दिया तो बोल नहीं सकते? आपके पास कानून है, आपने FIR दर्ज कर दी, आप एक्शन लीजिए, आप अरेस्ट करिए, गुंडों को किसे छोड़ते? अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई है और अभी तक कोई एक आदमी अरेस्ट नहीं हुआ। और कैसे अरेस्ट होगा? सिर्फ अरेस्ट कर जब अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि मेरे विधायक खरीदे जाते हैं, तो दिल्ली पुलिस उनके घर पहुंचती है पूछने के लिए कि किसने खरीदे, और वो मिलना नहीं चाहती तो दिल्ली पुलिस जबरदस्ती घुसना चाहती है। ये तो बार्बेरियन युग में भी नहीं था। अरे विचारों की लड़ाई है तो आप सामने उसी मैं निर्भय विचार मंच की तरफ से मैं आह्वान करता हूं। एक तरफ निर्भय विचार मंच पे जो वक्ता बोलते हैं, उसके बाद आधा घंटा बीजेपी के नेताओं को दिया जाएगा, वो आके खंडन करे उस बात का, जो सवाल उठते हैं उसका जवाब दे उसी मंच से। कोई पत्थर नहीं फेंकेगा उन पे, क्योंकि विचारों का मंच है। आज महाराष्ट्र में यदि आशीष जी निर्भय बनो विचार मंच की स्थापना करना पड़ रही है, तो आप देखिए महाराष्ट्र में क्या स्थिति होगी, कितना भयभीत होगा महाराष्ट्र। बिल्कुल यही बात मैं भाऊ कि भयभीत समाज में ही निर्भय की बात होगी, और रही बात कि उस मंच पे आके जवाब दे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जवाब देने की 10 साल में इस देश ने प्रधानमंत्री को देख लिया है कितनी बार जवाब देने आए। जिसके पास जवाब ना हो जवाब क्या देगा? आपने डबल इंजन कही, डबल इंजन की जो ये गाड़ी चल रही है, इंजन में भी गुंडे बैठे हैं, डब्बों में भी गुंडे बैठे हैं, और वही गुंडे अब नंगा नाच कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा सवाल, ये निर्भय बनो विचार मंच, आपको भी मैंने इस पे जो है इस मंच से बोलते हुए सुना है, और महाराष्ट्र में महीने में 3-4-5 इस व्याख्यान माला में आप भी जाते हैं। मुझे ये नहीं है कि निखिल वागले के साथ जैसा हो रहा है वैसा अशोक वानखेड़े के साथ होगा, इससे डरा हुआ हूं, लेकिन क्या ये एक शुरुआत हो गई है एक उस गुंडा राज की, जंगल राज की शुरुआत हो गई है, कि आज निखिल वागले तो कल अशोक वानखेड़े का भी नंबर होगा? अशोक वानखेड़े को ईडी से, पुलिस से, ईडी से, पुलिस से, आईटी से, सीबीआई से
तो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आज निखिल वागले, जब बुलडोजर क्रांति इस देश में शुरू हुई थी उत्तर प्रदेश, तालियां बजाते थे सब तालियां बजाते थे बुलडोजर पे, एक फला क्या बुलडोजर चला, आज वो बुलडोजर का रुख झोपड़ियों की तरफ हो चुका है। और ये झोपड़ियों वाले ताली बजाते थे कि अरे जरूर बड़े उसके बड़े बिल्डिंग पे बुलडोजर चला। विध्वंस का प्रतीक कभी भी भेदभाव नहीं करता, विध्वंस समान रूप से समाज का करता है। तो आज मैं इसीलिए उस बुलडोजर क्रांति जो उत्तर प्रदेश से हुई है, जिसको पूरी दुनिया में मॉडल बताते हैं, आज ये निखिल वागले को मैं पहली शुरुआत मान रहा हूं कि जुबान पर, जुबान खोलने वालों पर उनकी जान लेने की कोशिश का, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये उसकी एक शुरुआत हुई है कि अब आप जिसको जिसको ईडी सीबीआई आईटी दुनिया की एजेंसीज और जो प्रधानमंत्री प्रधान सेवक कहते हैं, इनको फिर चक्रवर्ती सम्राट लिखना चाहिए, चक्रवर्ती सम्राट, बादशाह, सुल्तान, बादशाह, सम्राट, चक्रवर्ती सम्राटों की भी समय ऐसा नहीं हुआ, बादशाह कही है इनको। मुगल साम्राज्य की नींव रखने जा रहे हैं क्या? यदि औरंगजेब को आप इतना घृणित समझते हैं तो फिर उनकी विचारों से इतने प्रभावित क्यों हैं? अर्बन नक्सल दूसरों को कहते हैं कि क्या ये आप अर्बन नक्सल नहीं हैं? क्या ये भगवा आतंक नहीं है? निखिल वागले ने जो ट्वीट किया, जरूरी नहीं कि सब उससे सहमत हो, लेकिन फिर सरकार है, सरकार के पास कानून व्यवस्था है, एफआईआर दर्ज हुई है उनके खिलाफ, पुलिस इन्वेस्टिगेट करे, चार्जशीट फाइल करे, कोर्ट में जाए, कोर्ट तय करेगा कि उनकी भाषा सही थी या गलत थी। क्या आपको क्या या ये जानते हैं भाजपा के नेता कि उस एफआईआर में दम नहीं? जब एफआईआर करने के बाद निखिल डरा नहीं तो फिर निखिल के ऊपर हमला करो। ये सवाल निखिल का नहीं है, हाँ ये शुरुआत का है। 2024 के बाद भाजपा केंद्र में वापस आएगी तो क्या होगा, इसका ये ट्रेलर है। जो पिक्चर 2024 में रिलीज होने वाली है उसका ट्रेलर, टीजर जिसको कहते हैं, ये है जो पुणे में हुआ है। बिहार यूपी तो बदनाम थे, महाराष्ट्र में तो ऐसी वारदातें नहीं होती थी, और खासकर पुणे क्षेत्र में, पुणे जैसे शहर में। यदि वहां ये होने लगी तो आप समझ लीजिए आपको भाजपा का विरोध करने पर भी और भाजपा के विरोधियों का साथ देने पर भी सजाए मौत मुकरर कर दी जाती है। और सजा न्यायपालिका से नहीं, भीड़ तंत्र से, न्यायपालिका से नहीं, और न्याय पर नहीं, न्याय यही है, हम ही गवाह, हम ही मुजरिम, हम ही न्यायाधीश, यही है। अजय भाऊ, स्थिति बिहार में जब तक अभी महागठबंधन की सरकार थी, आपने देखा एक छोटी सी घटना पर पूरे दिन जंगल राज, जैसे ही नीतीश कुमार इधर आ गए जंगल राज खत्म हो गया। किसी चैनल पर लगातार हमने एक शो किया था अभी हाल में, जो फेसबुक लाइव के दौरान जो एक मतलब बहुत ही विभत्स घटना हुई उस घटना के बाद, कि महाराष्ट्र जंगल राज की तरफ बढ़ रहा है। अरे जंगल राज की तरफ, एक बीजेपी का विधायक, हाँ, एकनाथ शिंदे के कारपोरेटर को पुलिस स्टेशन के अंदर 5 गोलियां उतार देता है उसमें। ये तो फिल्मों में देख कर दिखाया करता था। एक एक्स कार्पोरेटर शिवसेना का, भूतपूर्व कार्पोरेटर, फेसबुक लाइव के दौरान हो,
हो क्या रहा है? गृह मंत्री फडणवीस जी हैं, ईडी की फाइलें गुंडों के पास पहुंच जाती हैं, ईडी के नाम पे गुंडे वसूली करते हैं, ईडी उद्योग बिल्डरों के बीच में सेटलमेंट करने का काम करती है क्या? जो क्राइम बैंक ने जो केस पकड़ा वो तो वही है, ये भयावह है। और यदि उनको लगता है कि लोग डरेंगे, तो जो अंग्रेजों से नहीं डरे, जो मुगलों से नहीं डरे, वो इनसे डरेंगे, ये इनकी गलतफहमी है, बहुत बड़ी गलतफहमी। आगे आपके व्याख्यान माला होंगे, याद मैसेज साफ जाना चाहिए, इसलिए आज इस शो को इसलिए और हमने किया है कि ऐसे लोगों तक साफ इनके कान तक जाए संदेश। सैन्य स्कूल का प्रोडक्ट हूं, सातारा का, ठीक है, मेरे क्लास में जो मेरे पास बैठा था डेस्क पे, प्रदीप ताथोड़े, पाकिस्तानियों की गोलियां सीने पे छलनी करते हुए अपने सीने को देश की रक्षा में शहीद हुआ है, इतने पुना का है वो, कोथरूड में बहुत बड़ा स्टैचू है उसका, मैं डरूंगा तो ऊपर जाके उसको क्या जवाब दूंगा कि बचपन में अशोक साथ में एक डेस्क पे इसलिए बैठते थे कि तू भागा है। महाकाल का भक्त हूं, यदि मेरी आनी है तो आ जाएगी आशीष, और नहीं आनी हो, हजार लोग भी आए तो उसके बीच में से निकल आओ, ये विश्वास के साथ मैं जीता हूं। और डर के जीने से अच्छा है कि निडर होके जब निर्भय विचार मंच पर जाके बोलता हूं तो मैं भयभीत हो ही नहीं सकता। छोड़ दो इस बात को, मेरे व्याख्यान फिर होंगे और लगातार जाऊंगा, बोलूंगा, जनजागरण होगा, इस गुंडाई के खिलाफ भी आवाज उठी जाएगी। आप तो महाराष्ट्र की बात करते हैं, महाराष्ट्र में तो ये गुंडागर्दी अब शुरू की इन लोगों ने, हताशा है इनकी, जमीन खिसक रही है, लोकसभा में भयानक पराजय दिखती है, तो फिर हाथ में हथियार उठाते हैं लोग। अरे हम तो यूपी और बिहार में भी जाके भाषण दिया है, जहां जाने से लोग डरते हैं, क्योंकि मारने वालों से बचाने वाला बड़ा होता है। मैंने कहा ना, सनातनी हिंदू हूं, भगवान पे विश्वास करता हूं, मेरा भगवान सच्चाई की साथ देता है, मैं प्राण प्रतिष्ठा नहीं करता, भगवान मेरे प्राण में बसे। क्या कर रहे हैं? तो ये डरने वरने की बात नहीं है, ये इनका नग्न सत्य बाहर लाना जरूरी है, इनका असली मुखौटा उतारना, इनका असली चेहरा दिखाना जरूरी है। प्रधानमंत्री जी कहते ना गरीबी मेरी जाति है, प्रधानमंत्री कहते ना सबका साथ सबका विकास, प्रधानमंत्री कहते ना कि वो ओबीसी ओबीसी, तो उस गाड़ी में बैठने वाले कितने लोग ओबीसी थे? हम ओबीसी पे प्रधानमंत्री कहते ना, तो क्या महाराष्ट्र पे पेशवा का सरकार चलेगी क्या? देवेंद्र फडणवीस पेशवाई लाना चाहते हैं क्या? सवाल ये है। और महाराष्ट्र का मीडिया कभी कमजोर नहीं रहा, ये भी लोग जानते नहीं। इसमें तो अब कोई दो राय नहीं है, ये मैं निर्भय बनो विचार मंच, जब भी आप व्याख्यान माला में जाते थे वो स्पीच आती थी, मैं तो कम से कम पूरी स्पीच सुनता था, लाइव नहीं सही, जब स्पीच आती थी और हम लोग न्यूज लॉन्चर पे लगाते थे कि वो महाराष्ट्र की स्पीच बाकी देश में भी सुनाया जाए, तो मैं सुनता था। तो हमेशा मुझे ये लगा कि उत्तर प्रदेश बिहार की पत्रकारिता और पत्रकारों को हम देख रहे हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, देखता हूँ, दो दशक से ज्यादा हो गए, लेकिन महाराष्ट्र को लेकर के हमेशा मुझे, मैं व्यक्तिगत रूप से भी आपसे कहता रहा कि मुझे हमेशा लगा कि महाराष्ट्र में अभी वो है खुददारी वहां के पत्रकारों, एक जितनी लंबी ये निर्भय बनो विचार मंच
ये नाम ही उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों को सबक दे सकता है, क्योंकि भय उत्तर प्रदेश और बिहार में महाराष्ट्र से कई गुना जाते हैं, लेकिन यहाँ पर निर्भय बनो विचार मंच बनाने की भी किसी में हिम्मत नहीं बची है। वो हिम्मत अभी भी है, वहां पर अभी भी निखिल वागले हैं, वहां अभी भी निखिल वागले के बगल में चौधरी और दो आदमी और वकील साहब बैठे हुए हैं, अभी भी वो गाड़ी से उतर करके आगे आगे गाड़ी को गली में घुसाने के लिए तैयार हैं, वहां पर अभी भी कार्यकर्ता निखिल वागले को बचाने के लिए चारों तरफ से गाड़ी घेर करके सुरक्षित बचा करके ले जाने के लिए तैयार है। तो इसके लिए तो महाराष्ट्र को सैल्यूट है, महाराष्ट्र को इस मामले में और महाराष्ट्र के पत्रकारिता को, पत्रकारों को भी, लेकिन सबक लेना चाहिए आज इस घटना के बाद, सबक लेना चाहिए देश में, वाकई अब जरूरत है निर्भय बनने की। और मैंने जानबूझ के इसीलिए सवाल पूछा था भाव से, ताकि ये संदेश जाए कि डर करके नहीं, ना आप डर जाओगे लोकतंत्र और संविधान बचाने में, उसी दिन संविधान और लोकतंत्र समझ लो निर्जीव हो गया। डरे होते उधम सिंह, क्या उम्र थी, अंग्रेजों से डर गए होते, भगत सिंह डर गए होते, आजाद डर गए होते, कोई डरा था? ये देश हजारों साल की जो कहते हैं गुलामी, वैसे ही निर्भय बनो विचार मंच नहीं था, लेकिन निर्भय बनो का विचार था, और उस विचार से यह देश आजादी पाया है। ये लोकतंत्र और संविधान उसी निर्भय बनो के विचार से आया। तो निर्भय तो बनना पड़ेगा, किसी गृह मंत्री के फडणवीस जैसे किसी गृह मंत्री के कहने पर अब हमारी लाइनें, हमारी भाषा, हमारी बोली देवेंद्र फडणवीस तय करने वाला नहीं कोई शख्स हो सकता है। वो हो सकते हैं गृह मंत्री हो महाराष्ट्र के, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हो सकते हैं, लेकिन बोलना क्या है आशीष चित्रांशी को, बोलना क्या है अशोक वानखेड़े को, ये लोग थोड़ा तय करेंगे। हम देश के खिलाफ नहीं, हम आज भी कहते हैं कि जितना देश के साथ हो देश के लिए हम बोल सकते हैं, काश इनमें बोलने का मादा होता तो इन्हीं की सरकार का गृह सचिव अनिल स्वरूप ये नहीं कहता कि लाल किले से झूठ बोल रहे थे प्रधानमंत्री। झूठ बोलने वाले लोग निर्भय लोगों से बहुत डरते हैं, ये यकीन कर लीजिए। ये झूठ राम राज्य है महाराष्ट्र का, ये महाराष्ट्र का राम राज्य है, महाराष्ट्र का राम राज्य है भाव ने कहा, लेकिन निर्भय बनो विचार मंच, ये तो न्यूज लॉन्चर है, लेकिन निर्भय बनो विचार मंच का एक विचार की बात, आशीष जी रामायण की बात समझ में आती है, राम का नाम लेते हैं और रावण राज्य चलाते हैं, रावण ने हनुमान जी को बोलने से मना कर किया था, तो पूरी लंका जल गई थी, जल गया। पत्रकार ये हनुमान का प्रारूप है, पत्रकार हनुमान जैसा है, हर समाज की पीड़ा में आगे भागता है, समाज के दर्द को बयां करता है, शब्द देता है, लेखनी देता है, आवाज देता है, सरकार की भड़वेगिरी नहीं करती। यदि सरकार की भड़वेगिरी करने वाले होते तो यही मोटरसाइकिल वाले हार लेके आते हैं, पूना के लोगों को, महाराष्ट्र के लोगों को इस बात को सीरियसली सुन लेना चाहिए और देख लेना चाहिए कि 2024 में आने वाली फिल्म कैसी होगी, यदि ट्रेलर ऐसा है तो। नहीं, ये आज ये बात जाएगी महाराष्ट्र के घर घर जाएगी, और आज ही इसी मंच से एक मैं ये भी ऐलान कर देता हूँ, हम निर्भय विचार बनो विचार मंच से एक प्रेरणा आज न्यूज लॉन्चर भी ले रहा है कि इस टीम का हर आदमी निर्भय था, निर्भय है, निर्भय रहेगा। और दूसरी बात, आज ही ये भी इसी वक्त ऐलान हो रहा है कि हम न्यूज लॉन्चर महाराष्ट्र लाएंगे, न्यूज लॉन्चर महाराष्ट्र लाएंगे, और महाराष्ट्र में निर्भय बनो विचार मंच जैसे ही निर्भय विचारों को घर घर तक पहुंचाएंगे, जो खबरें आप तक पहुंचाने से लोग घबराते हैं और चाहते हैं आप तक न पहुंचे, वो पहुंचाएंगे हम, न्यूज लॉन्चर महाराष्ट्र जल्द ही लाएंगे हम। और भाऊ वहां उसको भी मार्गदर्शन देते हुए भाऊ ही नजर आएंगे, भाऊ के ही मार्गदर्शन में, जो निर्भय बनो विचार मंच के मंच से जिसकी वाणी जिसके विचार आप सुनते हैं वही अशोक वानखेड़े, उस जो है न्यूज लॉन्चर महाराष्ट्र के मंच से उन विचारों को, जो विचार छूट भी जाते हैं बाई चांस न्यूज लॉन्चर के जरिए, तो देसी भाषा
मराठी में, वहां के लैंग्वेज में उन विचारों को उसके जरिए पहुंचाएंगे। फिलहाल आज हमें इजाजत दीजिए, लेकिन चलते चलते बस एक लाइन, आज अलविदा नमस्कार नहीं, निर्भय हैं, निर्भय थे, निर्भय रहेंगे, निर्भय रहेंगे। नमस्कार।